मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आरई है और आज गाइस हम आपको कुछ बताने वाले हैं और कुछ सिखाने वाले और कुछ ले जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं, बताता हूँ आपको। आज हम जा रहे हैं शिकार पे और शिकार पे देखते हैं, हमारे साथ कामरान भाई हैं, मैं हूँ और शायान एक और भी बहुत सारे दोस्त हैं, रिहान भाई हैं। तो हम जा रहे हैं आज ठट्टा में जा रहे हैं दोस्तों के साथ शिकार के लिए और शिकार पर हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या शिकार करने को मिलता है। हम वैसे जा रहे हैं मछली के शिकार पे और मछली के शिकार पर हम जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे इंशाल्लाह कि हमें दाने लगते हैं कि नहीं लगते हैं। जब लगेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाएंगे। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ ठट्टा। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली शुरुआत है आज हमारी गाइज। तो देखते हैं, वहाँ पर मज़ा आता है और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हम हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों के साथ। अब हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, शारा फैसल पे है, दोस्तों के साथ इंशाल्लाह वो आने वाले हैं और मुझे पिक करने वाले हैं। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर मिलता हूँ अभी आपको थोड़ी देर के बाद। हम धारो शहर पहुँच चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। तमाम व्यूअर्स देखें, ये गाड़ी हमारे साथ है माशाल्लाह से। एक गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई पीछे दोस्तों के साथ। और रेहान भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? बस हम क्या कहेंगे, हमको बुला लिया इन्होंने, देखते हैं। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं पिकनिक पॉइंट पर भाई, आते दो मिनट। और आप तमाम व्यूअर्स देखने वाले यूट्यूब के हमारे दोस्त सब देख सकते हैं कि आज बाहर का कितना प्यारा मौसम हो रहा है और आज मौसम इतना हसीन है माशाल्लाह से। कामरान भाई, हम सब स्टे कर चुके हैं यहाँ पे, अभी दोस्तों सब अपनी अपनी पिक मारेंगे जरूर लेकिन हैं क्या सजा बताइएगा। मारेंगे जरूर, कुछ भी ना कुछ शिकार जरूर करके लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ। और अब हम कच्चे की तरफ नीचे उतर चुके हैं। पहाड़ काट के रास्ता बनाया भाई, रास्ते से हम अंदर आए थे। भावर भाई गिर गए, भावर भाई गिर गए यार। उठाओ, ये हमारे साथी गिर गए हैं बाइक पे, उनकी जगह पे वो कोई जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो उधर जाके बैठ गए बाइक पे और अब भावर भाई मेरे बराबर में बिल्कुल आके बैठेंगे। ये हमने चाय बनाना स्टार्ट कर दिए और ये लकड़ी चूल्हे पे हमने ये रख दिया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ भाई, चाय बन रही है, चाय बनाओ भाई, बनाओ भाई चाय। हम कामरान साहब हमारे बैठे हैं, सदा साहब ये इन्होंने बाबर भाई को गाड़ी से गिरा दिया था अभी थोड़ी देर पहले जब आपने देखा है। सर साहब मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए सारा हमारा सामान गाड़ी में किस तरीके से रखा हुआ है।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और अभी हम कीमे की तैयारी कर रहे हैं सारे दोस्त मिलके, और थोड़ा सा हाथ से क्योंकि ठंड बहुत है और ओस भी गिर रही है बहुत ना। तो अभी कामरान भाई वहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, लाइट लगा दी उन्होंने यहाँ पे, वो आग हमने इसीलिए लगाई अभी ताकि जो ना हम अपना काम दोबारा से शुरू कर सकेंगे। कढ़ाई हम इसमें सामान डाल के शुरू करेंगे, तो कीमा बनाएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम दोबारा आपके साथ। ये हमने बॉक्स निकाल लिए, स्पीकर भी लाए हुए हैं और इसके अंदर सारा सामान खाने पीने का। और अब हम अपनी वीडियो दोबारा शुरू करेंगे गाइस। और ये देखें सब सामान निकल रहा है, ये गाड़ी में लाइट लगाई है अभी हमने, ये बाबर भाई थैली डालते हुए, और अब ये तेल देखें आप। आज खाने का बहुत मजा आने वाला है गाइस। ये हमारे बाबर भाई हैं आज के कुकर्स। प्याज ले आओ भाई, प्याज ले आओ, लेकिन अभी रुके थोड़ा पहले। हाँ कर रहा हूँ, आप मतलब वीडियो फिर जाम नहीं कर पाओगे ना, इतनी जो हम लोग साथ दो। अरे बाबा भाई बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बाबा भाई जी सर। इसमें प्याज डाल रहे हैं, आवाज़ आना शुरू हो गई है सर। थोड़ी सी वेट करो या आप पका लो। डाल लो आप। बाद में ये कीमा है भाई, कीमा देखिए कितना फ्रेश है। डालो भाई डालो। ओहो टमाटर लाओ भाई। हाँ काट रहे अरे भाई दो दो कटे। ओहो पुस्तक वाले काट रहे हो यार। एक के दो कर दो बस। चलो अब जो भी कर रहा है 5 मिनट इंशाल्लाह ताला। इसको बाद में डालना बस छोड़ो ये वाला बस इसको रखो। अदरक लहसुन लगा वो चावल कहाँ से। ये नमक आ गया भाई देखिए नमक आ गया। अच्छा ये हो गया ये नमक और मिर्ची लग डल गई है इसमें। और माशाल्लाह से कीमे की रंगत भी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आ रही है। ये तंदूरी कीमा बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं वह फजर का टाइम हुआ है। और ये हल्का हल्का दिन निकल रहा है। आइए ना बाहर तो आइए जल्दी से। आटा नहीं यहाँ पे आटा लगता है और क्या लगता है आटा। एंजॉयमेंट हमने क्या कहा था ना आपको जायान मेरा मोबाइल तो लगा हुआ।
हमने वो बत्तखे थे बड़ी वाली ना, इतनी बड़ी वाली बत्तखे थे लेकिन वो उड़ गए ना। अच्छा यार एक लकड़ी देना मेरे को, एक लकड़ी दो, नहीं वो दूसरी साफ सी लकड़ी दो, साफ ये लाइव मछली बन रही है देखें आप लोग। भाई ये कांटा फंसा हुआ है इधर, कांटा फंसा हुआ है देख रहे हैं बाबर भाई, माशाल्लाह ये आरिफ भाई जो ना इनने मछली मारी है, ये खुद लाइव बना रहे हैं बस। अब मैं वो हमारी बना आरिफ भाई के साथ भाई चल रही ना, मत चलने लेना इसको भाई, इसमें देखते रहना। चलो सही है, बन गई मछली ताज। हाँ असल में ऐसी ना जबरदस्त, तेरे मोबाइल कहाँ है तेरे, देख लो जल्दी आइए पे आओ नहीं देखो बोलू थोड़ी आओ भाई जान, आओ शायन नीचे तो करो, ये ऊपर इतनी ऊपर थका बनेगी। हाँ ना ये आ गई भाई हमारी मछली, और ये बाबर भाई हैं, बाबर भाई ने ये ला के हमें दिए। ये देखिए मछली आप बाबर पक्षी को बनाएगा कसम खुदा के बाबर भाई अपने मंदिर की तरफ रवा दवा है, इंशाल्लाह घर जाएंगे और फिर इस वीडियो को बनाएंगे। ये रास्ता देखें, रात को हम दिखा रहे थे आपको और आज दिन के अंदर आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता कितना कठिन था और कितना मट्टी वाला और कितना पहाड़ी रेत वाला इलाका था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और ये देखें अब ये थोड़ी सी ऊंची चढ़ाई आ रही है, इस पर हम रात को भी चढ़े थे। या रब्बुल आलमीन मदद, बिस्मिल्लाह तवक्कल तौल अल्लाह। ये पीछे से बर्तन वगैरह घूम के आए अंदर ही अंदर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये देखें आप सूरजमुखी के फूलों का बागात, ओहो खुदा की कसम। और ये देखें कितना बड़ा फूल है, मैं तो ये दूर से तो छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा फूल है भाई, सूरजमुखी के फूल इतने बड़े बड़े माशाल्लाह। ये हमारे सदर साहब आए हैं हमारे साथ पिकनिक पॉइंट पे, और हम ये रास्ते में हमने गाड़ी रोकी तो हमने बोला चलो उसकी वीडियोज़ बनाए ना, तो आप भी देखें। और ये करली झील के बैक साइड का इलाका है, बहुत प्यारा इलाका है ये। रात को हमने शिकार भी करा और बहुत मज़ा आया, शिकार करके ख़ुद पकाया और ख़ुद खाया। शिकार ऐसा है कि वो हम आपको व्यूअर्स को दिखा नहीं सकते कि किस चीज़ का शिकार किया है। गाइस मज़ा आ रहा है आपको, देखें माशाल्लाह। और आपने क्या आपने एक बात और अभी कही ना कि ये पौधा बरसात के पानी से क्या? जी हाँ बारिश के पानी से, सिर्फ बारिश के पानी से जी, सिर्फ बारिश के पानी के बाद जो ना उसके बाद जो जमीन बतर पे आया तो मशीन चला इसमें, मशीन चलाने के बाद ट्रैक्टर चलाने के बाद फिर इसको जो ना वो बेलों पे उसको एक एक करके लगाया हुआ है। अच्छा उसके बाद ये माशाल्लाह इतना हुआ है, ये ऐसी फसल है इसको पानी नहीं देना होता है। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इसको पानी नहीं देना होता दोबारा, बस ये बरसात के पानी पलता है, बारिश का हो या कोई और पानी हो, यानी कि वत हो जमीन में वतर हो बस बस। ये नॉलेज की बातें हमने इनसे,
ये यहाँ पर खेतीबाड़ी करते हैं और ये यहाँ पर ही रहते हैं सब। ज़िंदगी के अंदर लाइफ को एंजॉय करें और किसी की बात पे ध्यान ना दें। बस आपको अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, खुश रहकर गुजारें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें और किसी से ज़्यादा नाराज़ ना हो। अगर कोई आपसे कुछ बोल दे तो उसको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। बस ज़िंदगी में खुश रहें। ये देखें हम कितने अंदर के इलाके में आए हैं, यहाँ पर भी लोग खुश रह रहे हैं ना, तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो बात है ये व्यूअर्स, खुश रहें, बस अपना ख्याल रखें बहुत। ये हम गाड़ी के पास आ गए अपनी, ये है वो आपका इलाका, हम अंदर से निकले थे। हमने पहाड़ काट के ये जगह बनाई है, इसके अंदर से हम गुजरेंगे। अब हम शिकार करके आ चुके हैं और इत्मीनान से बाबर भाई के साथ यहाँ चाय पी रहे हैं। बाबर भाई हमारे बहुत शुक्रिया जनाब आपका। जनाब आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बस ये कि पिकनिक में आपसे पूछा है कैसा मज़ा आया नहीं आया? मज़ा बहुत आया आपके साथ, ज़्यादा आपके साथ बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। आपकी रेसिपी देखी है, आपने कीमा बनाया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा और तमाम लोगों ने पेट भर के खाया और उनको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगी आपकी माशाल्लाह। जो आपने जो भी बनाया बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। ये बाबा हैं, इनकी औताक है ये, इनके साथ हम चाय पी रहे हैं। अरे हमारे दोस्त बैठे हैं, ये सदर साहब बैठे हैं खरगोश का। हम चाय पीते हुए और थकन उतारते हुए अपनी, बस ये हमारा एंड हो गया। अब यहाँ से अब हम जाएंगे घर पे और आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा व्यू है। आइंदा का इंशाल्लाह प्रोग्राम दोबारा बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाजिर होंगे आपके साथ। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो को इंशाल्लाह हम बना के देते रहेंगे। ये देखें पूरा गाँव है, बहुत खूबसूरत में खड़े हुए हम। ये मुर्गियाँ, ये गाय, ये यादें हैं, ये बहुत खूबसूरत यादें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये गाय का छोटा सा बच्चा कल भी हमने आपको दिखाया था अपनी वीडियो के अंदर और आज भी हम इसको आपको प्यार करके दिखाएंगे। बहुत प्यारा है ये। बहुत प्यारा बच्चा है ये। अभी ये 3 दिन का है बच्चा ना, बहुत खूबसूरत है, इसका कलर भी इतना प्यारा है।
खाने में बहुत अच्छी चीज, खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हमारे को, बहुत अच्छा अच्छा खाने में मिला हमको।